2013 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को लेकर दर्ज 77 मुकदमों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया। विधायकों सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों की जांच हाईकोर्ट के द्वारा की जा सकती है। यह रिपोर्ट विधायकों के खिलाफ दर्ज लंबित मुकदमों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों ने भी अपने विधायकों के खिलाफ दर्ज कई मुकदमों को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सभी राज्यों के लंबित इस तरह के मुकदमों की जानकारी मांगी थी, जिसमें पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति लिए सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमे राज्य सरकार वापस नहीं ले सकती है। अदालत ने यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटों के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को निलंबित करने की मांग की गई थी जो अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में भीड़ ने सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी। इस मामले में 27 अगस्त 2013 को कवाल गांव में जाट समुदाय की महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत से लौट रहे लोगों पर हमला हुआ था। इसके बाद दंगे शुरू हुए थे जो मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में फैल गए थे। इन दंगों में 62 लोगों की मौत हुई थी और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को लेकर 6,869 अभियुक्तों के खिलाफ 510 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 175 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई थी और 165 में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई थी और 170 मामलों को खत्म कर दिया गया था। हंसारिया ने अपनी रिपोर्ट में कर्नाटक सरकार का भी जिक्र किया है, जिसमें बिना वजह बताए 62 मुकदमे वापस लिए हैं। इसी तरह तमिलनाडु ने 4 मुकदमे, तेलंगाना ने 14 और केरल सरकार ने 36 मुकदमे वापस ले लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।